सभी को राम राम, हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुरेश। आजकल जेएनयू वालों के कुछ ज्यादा पर निकल चुके हैं, जैसे कि आप सभी लगातार देख रहे हैं कि जेएनयू वाले आजकल दीवारों पर साफ साफ लिख रहे हैं कि बनिया और ब्राह्मण भारत छोड़ो। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई इस देश को। क्यों जेएनयू वालों, मैं पूछना चाहता हूं, और पहले उन भोसड़ी वालों को मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि कौन से ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़े? सिर्फ बीजेपी वाले या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले भी? मैं ये पूछना चाहता हूं, पहले तो ये सवाल का जवाब चाहिए, और फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा इस देश को दहेज में लेके आई, क्यों जेएनयू वालों? तुमने अपनी अम्मा के सीने पर लिखवा दिया है क्या ये भारत देश तुम्हारा है? पूछना चाहता हूं जेएनयू वालों, अरे भोसड़ी वालों, कुछ भी लिखोगे तुम लोग, है? तुम क्या समझ रहे हो? यहां पर जाति को टारगेट करके सिर्फ एक जातियों का नाम ले लेके लिख रहे हो। लिख के दिखाओ ना, हिंदू भारत छोड़ो लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। पूछना चाहता हूं, वो तुम्हारा फटफटा जानते हो, आजादी चाहिए थी उसको, किसको? कन्हैया लाल को। उसको कई बार आजादी मिल चुकी है, और फिर जिसने ये सब लिखा है, अगर उसे भी आजादी चाहिए तो सामने आ भाई। अरे लिखने वाले सामने आ, आजादी दे देंगे, आजादी देने के ही बैठे हैं। ठीक है, तुम्हारी अम्मा दहेज में लेके आई इस देश को, ब्राह्मण क्यों छोड़ा भारत, बनिया क्यों छोड़ा भारत, राजपूत क्यों छोड़ा भारत, सनातनी हिंदू क्यों छोड़ा भारत? पूछना चाहता हूं। और सुनो, बात बनिया और ब्राह्मण की नहीं है, यह सनातनियों की बात है, यह हिंदुओं की बात है। और जहां सनातनियों पर कोई चोट करेगा तो उसको बहुत अच्छे से जवाब दिया जाएगा, जवाब के साथ साथ उसकी सेवा भी बहुत अच्छे से करी जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं, जो भी जेएनयू पर यह लिख रहा है साफ साफ कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, तो सामने आइए, सामने आकर लिखिए, अपना चेहरा तो दिखाइए। किस माई के लाल ने दूध पिलाया है जो ब्राह्मण और बनिया को भारत से छोड़वा दे? किसने? है कोई? तुम्हें यह पता है आखिरकार ब्राह्मण कौन है? तुम्हें यह पता है ब्राह्मण का ब्रह्म भी? तुम्हें यह नहीं पता कि ब्राह्मण का ब्रह्म का मतलब क्या होता है? तुम्हें यह नहीं पता कि ब्राह्मण इस देश के लिए कितने महत्व रखते हैं, और देश के लिए ही नहीं, विदेशों के लिए भी, पूरी पूरी दुनिया के लिए कितना महत्व रखते हैं? और उन ब्राह्मणों को तुम बोल रहे हो कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। यहां ब्राह्मणों की बात नहीं है, यहां बनिया की बात नहीं है, यहां जाट और गुर्जर और राजपूत की बात नहीं है, यह तमाम तुम सनातनियों की बात है, जो सनातन से प्रेम करता है, जो सनातन से प्रेम करता है। और सबसे बड़ी बात जेएनयू वालों, अगर तुम्हारी अम्माओं ने दूध पिलाया है, जिसने भी लिखा है वो सामने आए, सामने आए और दिखा अपना असली चेहरा, देखना चाहते हैं और जवाब भी देना जानते हैं, किसने, किसकी अम्मा ने किसको दूध पिलाया है यह भी बता देंगे। ऐसा है, सबसे पहली बात यह है, कन्हैया कुमार को कई बार आजादी मिली है, आपने देखा होगा, और उसको आजादी नहीं चाहिए, अब वो फरार है, उसे आजादी कई बार मिली है लेकिन वो फरार है। अब कोई नए नए पिल्ला निकल कर आ रहे हैं, नए नए पिल्ला, और ये नए नए पिल्ला अभी पैदा हो रहे हैं, और ये ब्राह्मण और बनियों से भारत छुड़वाने की बात करते हैं। और तुम इन दो जातियों को टारगेट करके तुम क्या चाहते हो कि मतलब कोई और, मतलब हमारा जो सनातनी है, क्या वो एक नहीं होंगे? अरे ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भ्रम है फालतू का बैठा हुआ है ना, इसे बाहर निकाल दो। ठीक है, ये अब वो हिंदुस्तान नहीं है, ये वो भारत नहीं है जो पहले होगा था, अब बदल गया है, अब बदल गया है जेएनयू वालों।
कान खोल कर सुन लो, बदल गया है। और जिसने भी लिखा है आइए सामने, उसे जवाब के साथ साथ उसकी सेवा भी अच्छे से की जाएगी। सेवा जानते हो ना? हाँ, बहुत अच्छे से। मेरे भाइयों, मैं आप सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये हमारे सनातनियों को बांटने का काम किया जा रहा है, और ये हमारे सनातन पर चोट है, ये किसी जाति पर चोट नहीं है। तो इस चोट को कोई भी सनातनी सहन नहीं करेगा। जेएनयू वालों, देंगे आजादी, और बहुत जल्द देंगे, और ये सनातनी ही तुम्हें आजादी देंगे, और कोई आजादी नहीं देगा तुमको। हाँ, और हाँ, जितने भी हिंदू विरोधी जो लोग हैं, जो खुद माथे पर तिलक लगाते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं, जैसे कि नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, आने वाले वीडियो में लगातार एक एक का नाम लेके उनका नाका साका टाका करा जाएगा। चलिए मेरे भाई, पहुंचाइए इस वीडियो को आगे तक, बाकी बहुत जल्द उनको भी जवाब दिया जाएगा। और तुम्हारा जो बहम धुसा हुआ है ना अंदर जेएनयू वालों, इसे निकाल कर फेंक दो, ये बहम नहीं चलने का तुम्हारा, ठीक है? यहाँ सनातनी सब एक है। तुमने क्या समझा है कि तुमने ब्राह्मणों को बोलकर, बनिया को बोलकर तुमने क्या समझा है कि सनातन मतलब जो सनातनी है वो एक नहीं होंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है, इस गलत फहमी को निकाल कर फेंक दो। भड़वो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को आगे पहुंचाइए मेरे भाई, इनको फिर जवाब देंगे।